प्यारे बच्चों सुप्रभात। आइए फिर हम कक्षा 12 में गणित विषय के अंतर्गत समात्मक की चर्चा करते हैं। अब यहाँ पर देखिए दिया है इंटीग्रल 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डीएक्स, यानी इसका समात्मक ज्ञात करना है। देखिए अब इसे चाहेंगे तो हम 1 माइनस कॉस एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स यह दिया हुआ है, तो इसके अंश और हर में 1 माइनस कॉस एक्स से गुणा कर देंगे, यानी ऐसे लिख देंगे इसको, यह हो जाएगा आपका इंटीग्रल। इसका जब इसमें हम पूरा करेंगे तो यह 1 माइनस कॉस एक्स पूरी का वर्ग हो जाएगा और हर इसका हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। फिर इसके बाद इस ऊपर वाले को a माइनस बी पूरे के वर्ग पर तोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 1 माइनस 2 कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और नीचे यह हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। फिर इसके बाद अब सबको अलग अलग कर देंगे तो यह हो जाएगा 1 बटे साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स माइनस 2 इंटीग्रल कॉस एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स प्लस इंटीग्रल कॉस स्क्वायर एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। फिर यह हो जाएगा आपका इंटीग्रल, यह 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स है, यह जो है हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स माइनस 2 इंटीग्रल, यह कॉस बटे साइन स्क्वायर है तो कॉस बटे साइन, यह हो जाएगा आपका कॉट एक्स और 1 बटे साइन कोसेक एक्स हो जाएगा डीएक्स। अब प्लस यह हो जाएगा कॉस स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर, यह कॉट स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब इसके बाद देखिए अब कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन तो होता है, कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स का भी समाकलन होता है और यह कॉट स्क्वायर दिया हुआ है तो कॉट स्क्वायर का समाकलन नहीं होता है, तो फिर इसको हम लिख देंगे इंटीग्रल कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स माइनस 2 इंटीग्रल कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स डीएक्स और इसको बदल देंगे तो यह हो जाएगा इंटीग्रल कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स माइनस इंटीग्रल 1 डीएक्स, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉट स्क्वायर एक्स बराबर होता है कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। इसके माध्यम से अलग अलग कर देंगे और फिर यह हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स और यहां भी कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स है तो यह हो जाएगा 2 इंटीग्रल कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स हो जाएगा यह माइनस 2 इंटीग्रल यह कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स डीएक्स और फिर माइनस इंटीग्रल 1 डीएक्स। अब यह सभी जो है मानक रूप में हो गए, अब सूत्र के अनुसार इनको रख देना है तो हम जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन जो होता है माइनस कॉट एक्स होता है तो यह हो जाएगा आपका माइनस 2 कॉट एक्स, यह कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स है तो इसका समाकलन जो होता है माइनस कोसेक एक्स होता है तो यह हो जाएगा आपका
प्लस टू कोसेक एक्स और वन का समाकलन एक्स होता है तो यह हो जाएगा माइनस एक्स प्लस सी। इस प्रकार जो है हम समाकलन ज्ञात करते हैं। अब आगे इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिए साइन टू दी पावर फोर एक्स डीएक्स, यानी इसका समाकलन हमको ज्ञात करना है कि साइन एक्स के चार घात दिया है, इसका समाकलन हम किस प्रकार करेंगे। इसे हम लिखेंगे इंटीग्रल साइन स्क्वायर एक्स पूरे का वर्ग डीएक्स। अब ध्यान देंगे, अब पहले हम बताए कि साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता क्या है कॉस 2x के पदों में, तो यहां पर फिर एक बार ध्यान से देखिए कि कॉस 2x बराबर यह होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो इसके माध्यम से साइन स्क्वायर एक्स बराबर यह हो जाता है आपका 1 माइनस कॉस 2x बटे 2। तो साइन स्क्वायर एक्स के स्थान पर हम 1 माइनस कॉस 2x बटे 2 लिखेंगे, तो यह हो जाएगा आपका इंटीग्रल 1 माइनस कॉस 2x बटे 2 और पूरे का वर्ग कर देंगे यहां पर dx। अब ध्यान देंगे, अब चूंकि 1 बटे 2 है तो 1 बटे 2 का वर्ग जो है 1 बटे 4 हो जाएगा इंटीग्रल, और इसको a माइनस b के वर्ग पर तोड़ेंगे, यह हो जाएगा आपका 1 माइनस 2 कॉस 2x, अब प्लस यह हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर 2x dx। फिर इनको अलग अलग कर देंगे, यह हो जाएगा 1 बटे 4 इंटीग्रल 1 dx, फिर माइनस 2 बटे 4 इंटीग्रल कॉस 2x dx प्लस 1 बटे 4 इंटीग्रल कॉस स्क्वायर 2x dx। अब इतना लिखने के बाद इसका भी समाकलन हम जानते हैं, कॉस 2x है तो इसका भी जानते हैं, लेकिन यह कॉस स्क्वायर 2x है तो फिर इसको बदलेंगे कि कॉस 2x बराबर यह होता है 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1, तो कॉस स्क्वायर x बराबर हो जाता है 1 प्लस कॉस 2x बटे 2। तो कॉस स्क्वायर x बराबर 1 प्लस कॉस 2x बटे 2 होता है, उसी के माध्यम से अब यहां पे यह हो जाएगा आपका 1 बटे 4 इंटीग्रल 1 dx माइनस, यह दोनों कट जाएगा तो यह 1 बटे 2 इंटीग्रल cos 2x dx, और यहां पर यह हो जाएगा 1 बटे 4 इंटीग्रल, इसको तोड़ेंगे तो यह हो जाएगा आपका 1 प्लस cos 4x बटे 2 कॉस स्क्वायर एक्स के माध्यम से, जैसे कॉस स्क्वायर एक्स है तो 1 प्लस कॉस 2x बटे 2 है, और यहां पर कॉस स्क्वायर 2x है तो यह 1 प्लस कॉस 4x बटे 2 हो जाएगा। अच्छी दूसरी बात पर समाकलन हम करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 1 बटे 4 इंटीग्रल 1 dx माइनस 1 बटे 2 इंटीग्रल कॉस 2x dx, यह हो जाएगा यहां भी अलग अलग कर देंगे तो 1 बटे 8 इंटीग्रल 1 dx प्लस यह हो जाएगा 1 बटे 8 इंटीग्रल cos 4x dx। अब समाकलन करेंगे तो यह हो जाएगा 1 बटे 4 x हो जाएगा यह, अब यह cos 2x है तो cos x का समाकलन जो है sin x होता है, यह हो जाएगा माइनस 1 बटे 2 और यह हो जाएगा sin 2x बटे 2 हो जाएगा यह, प्लस यह हो जाएगा आपका 1 बटे 8 यहां पर x हो जाएगा,
और यहां पर यह हो जाएगा एक बटे आठ साइन फोर एक्स बटे चार प्लस सी, या फिर इसको हम लिख देंगे इसके स्थान पर एक्स बटे चार, यह हो जाएगा माइनस साइन दो एक्स बटे चार हो जाएगा यह धन एक्स बटे आठ, और यह हो जाएगा धन साइन चार एक्स बटे बत्तीस प्लस सी। अब चाहेंगे तो हम एक्स बटे चार और एक्स बटे आठ को एक साथ भी लिख सकते हैं, यह दोनों मिलाकर हो जाएगा आपका तीन एक्स बटे आठ माइनस साइन टू एक्स बटे फोर हो जाएगा यहां पर, अब प्लस यह हो जाएगा साइन चार एक्स बटे बत्तीस, और लास्ट में जो है प्लस सी लिख देंगे। इस प्रकार जो है इसका हम समाधान ज्ञात करेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन देखिए, अब यहां पर है इंटीग्रल कॉस टू एक्स माइनस कॉस टू अल्फा अपॉन कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा, यानी इसका समाधान ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले हम कॉस टू एक्स के स्थान पर हम लिख देंगे टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन, उसी तरह कॉस टू अल्फा है तो इसके स्थान पर भी हम लिख देंगे टू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस वन, और नीचे जो है कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा दिया है इसको लिख देंगे उसी तरह। अब इसके बाद यह टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन माइनस टू कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस वन हो जाएगा, और बटे यह हो जाएगा आपका कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा डी एक्स। अब यहां पर देखिए यह माइनस वन और यह प्लस वन जो है हट जाएगा, अब ऊपर बच जाएगा टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस टू कॉस स्क्वायर अल्फा बटे कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा डी एक्स। अब ऊपर से दो कॉमन कर लेंगे, यह हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा बटे कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा डी एक्स। अब देखिए अब ऊपर जो है यानी अंश के स्थान पर हो गया आपका कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, यह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जैसा है तो इसको हम लिख देंगे कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा एक ब्रैकेट में और कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा एक ब्रैकेट में हो जाएगा, और नीचे कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा डी एक्स। अब यहां पर यह दोनों जो है कट जाएंगे, अब बच जाएगा आपका दो इंटीग्रल, ये हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स प्लस दो इंटीग्रल कॉस अल्फा डी एक्स। अब कॉस का समाधान साइन होता है तो ये हो जाएगा आपका क्यू साइन एक्स, अब प्लस ये टू कॉस अल्फा है तो कॉस अल्फा जो है यह अचर है, इसका जब हम समाधान करेंगे तो यह हो जाएगा टू एक्स कॉस अल्फा प्लस सी, यह इसका समाधान होगा। अब इसी प्रकार जो है हम अगला प्रश्न देखते हैं, तो अगला प्रश्न देखिए, तो यहां पर है साइन क्यूब
एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसका हमको समाकलन ज्ञात करना है। इसका समाकलन ज्ञात करने के लिए इसको लिखेंगे साइन क्यूब एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल कॉस क्यूब एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। यानी सबसे पहले अलग अलग कर देंगे यहां पर, यानी साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स दिया है और हर के स्थान पर साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स दिया है। तो जब अलग अलग करेंगे तो दोनों का हर वही रहेगा। अब इसके बाद देखिए, अब यह हो जाएगा ऊपर साइन की तीन घात है, नीचे दो घात है, तो यह हट जाएगा, ऊपर एक घात बचेगी। यानी यह हो जाएगा आपका साइन एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। उसी तरह ऊपर तीन घात है कॉस का और नीचे दो घात है, तो यह हो जाएगा आपका कॉस एक्स बटे या साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। यानी नीचे दो घात जो है हट गया है, ऊपर कॉस एक्स बचेगा और नीचे जो है साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तब इसके बाद हम इसका समाकलन करेंगे और यहां पर जो है डी एक्स हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए, अब इसे हम लिख सकते हैं साइन एक्स बटे कॉस एक्स, यह हो जाएगा आपका टैन एक्स, और नीचे कॉस स्क्वायर एक्स दिया है तो साइन बटे कॉस, यानी कॉस की एक घात ले ली गई है इसके लिए और एक घात बचेगा तो उसके स्थान पर हो जाएगा सेक एक्स डी एक्स। उसी तरह यहां पर यह हो जाएगा कॉस बटे साइन काट एक्स इंटू कोसेक एक्स हो जाएगा यह। और हम जानते हैं कि टैन एक्स इंटू सेक एक्स का समाकलन जो होता है यह सेक एक्स होता है और यह काट एक्स इंटू कोसेक एक्स है, इसका समाकलन जो है माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। इस प्रकार जो है इसका हम समाकलन करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ तो अगला क्वेश्चन भी देखिए, यानी इंटीग्रल कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन वन प्लस साइन टू एक्स डी एक्स, यानी इसका समाकलन ज्ञात करना है। तो यहां पर हम लिखेंगे इंटीग्रल कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ये दिया ही है, यह वन प्लस साइन टू एक्स है तो वन के स्थान पर यह हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और यह साइन टू एक्स है तो यह हो जाएगा टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। बराबर यह हो जाएगा आपका इंटीग्रल कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और इसे हम लिख देंगे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स पूरे का वर्ग डी एक्स, क्योंकि यह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी जैसा हो गया। अब इसके बाद मान लेंगे यहां पर कि माना कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बराबर टी, अवकलन जब करेंगे तो कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, डी एक्स बराबर यह हो जाएगा डी टी। तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी हो जाएगा, इसलिए इंटीग्रल कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बटे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स बराबर यह हो जाएगा इंटीग्रल डी टी बटे, यह हो जाएगा आपका टी स्क्वायर। और फिर इसको हम लिख देंगे इंटीग्रल टी के घात दो डी टी, समाकलन करेंगे तो टी पे मेरे एक घात हो जाएगी और नीचे भी मेरे एक हो जाएगा प्लस सी।
या इसे हम लिख देंगे एक बटे पी प्लस सी, पी का मान रख देंगे तो यह हो जाएगा एक बटे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। ऐसे इसका हम समाकलन करेंगे और इस प्रकार और प्रश्नों का भी समाकलन हम इस तरह ज्ञात कर सकते हैं। अब इस प्रश्नावली में और जो भी प्रश्न बचे हैं उनको आसमान हल कर जाएंगे। फिर अगले वीडियो में हम मिलते हैं। धन्यवाद।